दोस्तों मैं पहुंचा हूं जोमलियन हार्वेस्टर में और आपको जानकारी देंगे। नमस्कार सर, सर देंगे जानकारी इस मशीन के बारे में? सर देंगे जानकारी इस मशीन के बारे में? हाँ जी, मैं भानुदास सालगुड़े पाटिल, पुणे महाराष्ट्र। ये जोमलियन शुगर केन हार्वेस्टर, आप ये शुगर केन हार्वेस्टर ये पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है। वो सबसे बढ़िया शुगर केन हार्वेस्टर में पहली बार लॉन्च किया इंडिया में। उसका कैपेसिटी 200 टन शुगर केन डेली कट करता है और उसका हार्वेस्टिंग कैपेसिटी, डीजल कैपेसिटी एवरेज भी अच्छा है और क्लिनलीनेस अच्छा है। ये बढ़िया पीस का ऑटोमाइजेशन है, 190 एचपी का यूशी का इंजन है, सेंसर है, कैमराज है और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी इंडिया में ऐसा कभी आया नहीं, ये पहली बार इंडिया में लॉन्च हो गया। अब पहले दो ही शुगर केन हार्वेस्टर है, उससे बहुत बढ़िया ये जोमलियन का हार्वेस्टर है। ये कंपनी चाइना, रशिया और यूएस का कंपनी है। अभी ये 2024 में पुणे में हम ये मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन फेज में। अभी दो साल हम इंपोर्ट करने वाले हैं 100 मशीन, ये साल 10 मशीन, अगले साल 50 और उसके बाद 50, ऐसे दो साल में हम इंपोर्ट करने वाले 100 मशीन। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादातर के मशीन बहुत बिकता है और उसका मांगनी बहुत है। अभी ये उसका कॉस्टिंग 90 लाख का मशीन है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी ये साल 35 लाख का सब्सिडी देने वाला है और इसलिए फार्मर्स के लिए और शुगर केन फैक्ट्रीज के लिए ये एक जोमलियन कंपनी का ये नया हार्वेस्टर एक बढ़िया चीज़ बन के शुगर केन फैक्ट्री और फार्मर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और सर इसके पीछे जा कर देंगे सर, इसके टायरों के बारे में जो लगे हुए हैं क्या क्या? ये सब टायर अच्छा है, इम्पोर्टेड टायर है, हार्मर का टायर है और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एयरबॉस का है और इंजन यूशी का है और वो सब स्टील मटेरियल, हैवी मटेरियल यूज़ किया है और बढ़िया कटिंग होते हैं और क्लीनलीनेस भी अच्छा आता है। और सर इसमें कितने एचपी का डेटर है? सर कितने एचपी का इंजन दिए गए? 190 एचपी का इंजन है और पंप भी है, दो तीन पंप। इधर आपको दिखाते हैं इंजन का कैपेसिटी, ये देख लो, ये इंजन है, सब इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड इंजन है। और जी कौन सी कंपनी का रहता सर इंजन? यूशी का इंजन है, यूशी का वर्ल्ड सेकंड बेस्ट इंजन है। सही सर। और सर जी इसके पीछे ये क्या दिया गया है? इसके यहाँ से गन्ना आता है और यहाँ से केन गिरता है और केन आके एलिवेटर और कचरा जो ऊपर से फेंक देता है वो सक करके उधर से फेंक देता है और केन यहाँ से एलिवेटर में ट्रक में जाता है। और सर जी कितना घूम जाता है पीछे से? ये 180 डिग्रीज घूमता है, ये भी 180 डिग्रीज घूमता है, वो भी 180 डिग्रीज घूमता है, उसमें कचरा बाहर फेंकता है वो और वो कचरा से वो खेत में 4 टन का कंपोस्ट हो जाता है। ठीक है सर। और ये इसके ऊपर ये क्या चीज दिया गया है? ये वाटर कूलर और ऑयल कूलर, जो फैन है जो वाटर कूलर और ऑयल कूलर ऊपर है तो इसलिए इंजन गर्म नहीं होता है और कचरा नहीं जाता है, इसलिए पैक किया उसमें ऊपर फैन है। और सर इसमें जो एसी कैबिन दिया गया है इसके बारे में जानकारी देंगे? एसी कैबिन है अंदर दीजिए, एसी कैबिन है, मर्सिडीज जैसा ही है वो, फ्लेक्सिबल गियर है और कैमरा 4 है अंदर, पूरा आगे पीछे का तुम देख सकते हैं कैमरे में, अंदर 4 कैमरा वो स्क्रीन है और ड्राइवर को कुछ तकलीफ नहीं होता है। 200 टन तोड़ेगा तो भी ऐसा मर्सिडीज गाड़ी में बैठता है जैसा बैठेगा, तुम बैठो उसके ऊपर फील करो इंजन का। सही है सर। जैसे मर्सिडीज में चलाता है वो कर सकता है, वो नीचे लेता है, वो नीचे आगे होता है, वो हुक, हाँ आगे पीछे कर सकता है, वो हुक उठाना पड़ेगा। हाँ और हाँ खींच लो अभी तुम्हारी उधर, हाँ खींचो, हाँ बस कितना तुमको चाहिए उतना मिलेगा और ऊपर वो कंप्यूटर से हाथ से वो उधर एक हाथ डाल देगा, राइट हैंड वो बाजू का हाथ, इधर उधर इधर इधर, वो बाजू हाँ। और सर इसमें एसी वगैरह कुछ कैमरा है वो सही है फ्लैट। हाँ। और तो सर नीचे आ गए थे अब यहाँ से गन्ना जाता है, ये रोलर से ऊपर जाता है और नीचे कट होता है, ये रोलर के ऊपर जाता है नीचे कट होता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम, ये 3 पंप है, 1 2 3 पूरा पंपिंग हाइड्रोलिक सिस्टम में चलता है, 3 पंप, एक कटिंग का, एक ऊपर का और एक नीचे पीछे का।
सिस्टम में चलता। और सर जी मशीन लेनी हो इंडिया में तो कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? ये अभी इधर से ले सकते हैं, हम पुणे में इधर ऑफिस खोला है केड में, और हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरा इंडिया का देखते हैं। ये साल सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में देने गए। इसका एड्रेस क्या रहने वाला सर आपको जो मशीन लेने के लिए, कहाँ पे पहुंचना है? पुणे में खेड में चाकन MIDC में। ठीक है सर। दोस्तों ये थे कंपनी के ओनर जिन्होंने हमें इस मशीन की जानकारी दी। दोस्तों मशीन लेना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हैं जो आपको स्क्रीन के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर सवाल इस मशीन को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को धन्यवाद।